हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसा स्नैक्स बनाने बता रही हूँ जो बहुत ही जल्दी बन जाता है और ये सभी को बहुत पसंद आएगा। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है ये, बच्चे बड़ों सभी को बहुत ही अच्छा लगेगा। जिसके लिए हमें 8 से 10 ओरियो बिस्किट के पीस, छोटे पैकेट डेरी मिल्क का या कोई भी आप डार्क चॉकलेट ले लें, 4 से 5 स्लाइस वाइट ब्रेड और 1 अंडा। तो आइए अब हम इसे बनाते हैं। हम ब्रेड की स्लाइस को काट लेंगे राउंड पीस में। तो इसके काटने के लिए हम गिलास ले लें या जो भी आपके पास कटर है तो उसे काट लें। हमने 2 पीस पहले से भी काट के रखा है। जो बाकी ब्रेड के पीसेस बचे हैं इसे आप फेंके नहीं, इसे हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। सबसे पहले हम ओरियो बिस्किट को मिक्सी के जार में डालकर इसे ग्राइंड कर लेते हैं। हमने यहाँ पे ओरियो बिस्किट के पाउडर बना लिया है और चॉकलेट को हम गर्म पानी डालकर मेल्ट करेंगे। बहुत आसानी से हो जाएगी। हमने गर्म पानी डाला, चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है। आप चॉकलेट की जगह पे यहाँ पे चॉकलेट सिरप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे हम ओरियो बिस्किट के ऊपर डाल देते हैं, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। हमने चॉकलेट और ओरियो बिस्किट को अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये बहुत ही टेस्टी पेस्ट बना है। अब इसे हम लगा देंगे ब्रेड के स्लाइस जो हमने काट के रखे थे। इसे आप चॉकलेट सैंडविच का नाम भी दे सकते हैं। ये बच्चे बड़ों सभी को बहुत अच्छी लगेंगी। ये हो गया, इधर हम दूसरे में भी लगा देते हैं। एक अंडा जो हमने लिया था उसे बाउल पे डालकर अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसको डीप करेंगे और इसे हल्के आंच पर सेकेंगे। हमने यहाँ पे पैन लिया है, पैन में हम एक छोटा चम्मच घी डाल देंगे। चॉकलेट सैंडविच को हम फैट में ऐसे डीप करेंगे। इसे हम धीमे आंच पर सेकने देते हैं। एक पलट दिया है, इसे भी पलट लेते हैं। दोनों तरफ से पलट कर अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। ये हो गया है, इसे हम निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छा बना है, आप भी घर पर जरूर ट्राई करें। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।